अब हम पढ़ेंगे कैस्कोड एम्पलीफायर में डबल कैस्कोडिंग। तो डबल कैस्कोडिंग का मतलब है कि देखिए बेसिक ये हमारा क्या है Q1 और Q2, ये कैस्कोड एम्पलीफायर है। इसके ऊपर क्या है एक और कैस्कोडिंग जो है एम्पलीफायर ऐड कर देते हैं। एक तो ये कैस्कोडिंग एम्पलीफायर फर्स्ट, दूसरा क्या ये कैस्कोडिंग एम्पलीफायर। दो कैस्कोडिंग एम्पलीफायर जब हम ऐड कर देते तो उसको क्या बोलते हैं डबल कैस्कोडिंग एम्पलीफायर। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक डबल कैस्कोडिंग एम्पलीफायर क्या करता है इन गेन को मतलब जो है आउटपुट रेजिस्टेंस क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है कैस्कोडिंग से भी ज़्यादा। तो देखिए इस वाले ट्रांजिस्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है R01, तो ये वाला क्या है कैस्कोडिंग करेगा, ठीक है। तो इसका ट्रांजिस्टर इस वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगा इंस्ट्रक्शन गेन, तो A02 इंटू R01 या सिंपली GM2R02 इंटू R01। इसी प्रकार ये वाला भी कैस्कोडिंग करेगा, तो इसका जो इस वाले के साथ क्या करेंगे इसमें A03 A02 इंटू R01 कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाए इंस्ट्रक्शन गेन का। इंस्ट्रक्शन गेन का जो भी ट्रांजिस्टर होता है उसका जो मल्टीप्लाई हो जाता है नेक्स्ट वाले के लिए। तो देखिए ये GM3R03, GM2R02 और ये R01। तो बेसिकली ये सर्किटरी हमें क्या करती है पहले वाले से जो कैस्कोडिंग एम्पलीफायर था उससे ज़्यादा क्या देती है आउटपुट देती है हमारा रेजिस्टेंस। आउटपुट होने से गेन क्या होगा हमारा ज़्यादा होगा। तो इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस आएगा आर आउट बराबर ये GM3R03 GM2R02 और ये R01। अगर हम जो है GM1 GM3 बराबर क्या मान लें GM R01 R02 R03 की वैल्यू क्या मान लें R0, तो जो हमारा आउटपुट केस होगा इस वाले केस में तो ये A0² × R0 होगा। तो इंस्टेंस केस के जो है स्क्वायर में आ रहा है, जबकि केस कोडिंग क्या रहता है A0 × R होता है R0 होता है। तो ये तो आउटपुट हो गया। अब हम इसकी गेन की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो गेन निकल के आएगा डायरेक्टली हम जो पिछली वाले से रिजल्ट का यूज करेंगे तो इसके जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लेते हैं ये GMBI ये V0 ये R0। क्योंकि GM जो होगा हमारा ट्रांसकंडक्टर वो कौन सा देगा ट्रांजिस्टर Q1 ही देगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो है V आउटपुट बराबर माइनस का GM1 VI R0। तो R0 हमारे पास ये निकल के आया था तो ये वाली वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो V0 बराबर माइनस का GM1 VI GM3 R03 GM2 R02 और ये R01। तो V0 upon VI बराबर माइनस का GM1 R01 GM2 R02 और GM3 R03। ये तो ये AV0 हो जाएगा क्योंकि लोड इनफाइनाइट माना है, माइनस का GM1 R01 GM2 R02 और GM3 R03। तो इसी वाले केस के लिए क्या होगा यहाँ पर रख देते हैं तो AV0 बराबर माइनस का ये GM R0 GM R0 GM R0। तो ये क्या हो जाएगा GM R0 का क्यूब, ये सिंपली A0 क्यूब, ये AV0 आ गया। जबकि कैस्कोडिंग क्या होता है वो A0² आता है, वो भी नेगेटिव में आया, ठीक है। ये तो देखिए डबल कैस्कोडिंग में क्या है कैस्कोड करंट लोड जो हमने यूज किया गया है Q4 और Q5। तो हमें इस सर्किट क्या निकालना है वोल्टेज गेन निकालना है और आउटपुट रेजिस्टेंस, हमें क्या निकालना है AV निकालना और आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना। तो देखिए यहाँ इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये R05 होगा, इसका रेजिस्टेंस ये कैस्कोडिंग तरह बिहेव करेगा कैस्कोडिंग एम्पलीफायर, तो इसका जो है A4R05 हो जाएगा बराबर तो GM4R04 और ये R05।
फाइव हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले का आर जीरो वन, इसका रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस इसका कैस्कोडिंग एम्पलीफायर होगा, ये जी एम टू आर जीरो टू, और इसको क्या लिख लेते हैं, ये आर जीरो पी इंटू आर जीरो वन, इसको लिख लेंगे आर जीरो एन, तो ये आ जाएगा जी एम थ्री आर जीरो थ्री, जी एम टू आर जीरो टू, और ये आर जीरो वन। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लेते हैं वोल्टेज गेट के लिए। देखिए डायरेक्ट रिजल्ट लिखे, जो पहले मैंने जो है एक्सप्लेन किया वन बाय वन उन्हीं की बेसिस पे लिखे हुए। तो देखिए ये जी एम वी आई, ये आर जीरो पी, ये आर जीरो एन और वी आउटपुट, ये तो देखिए गेन हमारा होगा वी आउटपुट बराबर माइनस का जी एम बी आई आर जीरो पी पैरेलल का आर जीरो एन, तो वी नॉट अपॉन वी आई बराबर माइनस का जी एम आर जीरो पी पैरेलल का आर जीरो एन। चूँकि हमें पता है शॉर्ट सर्किट ट्रांसकंडक्टेंस क्या होगा, ओनली जी एम वन होगा, तो माइनस का जी एम वन आर जीरो पी पैरेलल का आर जीरो एन, ये तो आर जीरो पी की वैल्यू ये है, आर जीरो एन की वैल्यू है, तो वो यहाँ रख देते हैं। तो ये ए वी नॉट बराबर माइनस का जी एम वन आर जीरो पी ये है, जी एम फोर आर जीरो फोर आर जीरो फाइव पैरेलल जी एम थ्री आर जीरो थ्री, तो जी एम टू आर जीरो टू और आर जीरो वन, तो ये हमारा हो जाएगा गेन जब लोड हमारा क्या है इनफाइनाइट है। आउटपुट की बात करते हैं तो आर आउटपुट क्या होगा, ये सिंपली आर जीरो पी पैरेलल आर जीरो एन होगा, तो ये आ जाएगा जी एम थ्री आर जीरो थ्री, जी एम टू आर जीरो वन पैरेलल जी एम फोर आर जीरो फोर और ये आर जीरो फाइव, ये आउटपुट रेजिस्टेंस होगा इस वाली कॉन्फ़िगरेशन का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।